नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज हम नियामतपुर के पीस पब्लिक स्कूल में हैं। पीस पब्लिक स्कूल को के हम फॉलो करते हैं, देखते हैं कि हमेशा इन लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इन लोग ये एक टारगेट होती है कि बच्चों में कैसे अवेयरनेस लाया जाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ बहुत सारे स्कूल बंद हैं, वहाँ इन्होंने स्वामी विवेकानंद के मौके पर एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, और ना सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया बल्कि अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके ये बताने की कोशिश की है कि समाज को हम कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, सारे टीचर हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस बिजी शेड्यूल में कैसे सामाजिक काम कर लेते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने क्या प्रोग्राम किया? हम लोगों ने आज देखिए कई सारा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। आज का जो मौका है, ये पोंगल है, मकर संक्रांति है, स्वामी विवेकानंद जी का एक हम हाँ जयंती जो मनाते हैं, ये अवेयरनेस लाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वी हैव टू सेलिब्रेट एंड गिव दिस फीलिंग्स टू द यंग वंस, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैंडल दिस देन दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द फेस्टिवल, व्हाट इज द फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स सेलिब्रेशन, नॉट ओनली द सेलिब्रेशन बट आवर कल्चर, आवर society, the feeling of our society, feeling of our heart, it is essential. Feeling for that we organize, yes, feeling of our country, not only our country, for whole the world, because we come here, we gather here for peace and harmony. अच्छा, हम लोग देखते हैं कि आप लोग टीम यूनिट की तरह काम करते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? पॉसिबल है सर, यदि आप हाथ से हाथ मिला के तो देखिए, यू विल डेफिनेटली आप अच्छे सोचेंगे, आपके मन में कभी भी गलत विचार आ ही नहीं सकता है। तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। हम लोगों का विचार अच्छा है, इसलिए हम लोग सब आपस में हाथ मिलाते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने टीम की तरह टीम वर्क, यस सर, टीम, विदाउट टीम वर्क वी कांट डू एनीथिंग, नो वन कैन डू एनीथिंग, टीम वर्क जरूरी है सर। कैसा लगता है पढ़ा के बच्चे? हमारे यहाँ के बच्चों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। हमारे यहाँ के बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, और हम लोग चाहते हैं उसे बाहर कैसे निकालें। और वो लोग जैसे आज हम लोग ड्राइंग कंपटीशन किए, उसमें हमारा एक थीम था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका अगर आप लोग ड्राइंग सब देखें तो माशाल्लाह एक एक बच्चों ने उसमें लड़की के साथ क्या बिहेव होता है और कैसे सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करा, बहुत अच्छी तरह। हम लोगों ने थीम देखा, थीम अच्छा लगा। आपका मैसेज क्या था? मैसेज था लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट कि हमारे स्कूल में सबसे बड़ा मिशन है कि वी आर द ह्यूमन, आवर रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, हम लोग ह्यूमैनिटी बढ़ाना चाहते। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हर स्कूल प्रोवाइड करेंगे, पर हम लोग एक अच्छे इंसान और ह्यूमन बींग को प्रेजेंट करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तो मेहनत करने का जज्बा कहाँ से लाते हो? ये मेहनत का जज्बा हम लोगों को हमारे सर इंतखाब सर देते हैं, और हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश का कंडीशन है, आप लोग जान रहे हैं, सभी कोई इससे वाकिफ़ है, तो हमारे स्कूल का एक मोटिव है कि हम लोग किसी रिलीजन को ना लेकर चले, ये हम लोग हर एक रिलीजन को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। आज जैसे कि मकर संक्रांति है, पोंगल है, ये सारे फेस्टिवल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और ये हम लोग दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा स्कूल जो है ये सारे फेस्टिवल को किस तरह से, जब लोग जो है अपने घरों पे आराम कर रहे हैं, आज हॉलीडे है, और हम लोग अपने स्कूल में जो ड्राइंग कंपटीशन के जरिए इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। हम लोग ने देखा जो बच्चे थे बहुत अच्छे ड्राइंग के, उनकी उम्र कम थी लेकिन उनका थॉट बहुत ऊंचा था, ये वो लोग कैसे कर पाए? यहाँ बच्चों को इंस्पायर किया जाता है कि आप जो है आपका सोच जो है वो बड़ा बड़ा बनाओ, आप जितना ऊंचा सोचोगे उतने ऊंचे ख्याल के आप बनोगे, और उतना ही डेवलप करोगे, अपने कंट्री के लिए अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। आप तो बेटी हो जी, जो माँ अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दे रही है, उन पे फेथ नहीं कर रहे, उन पे भरोसा नहीं कर रहे, उसके लिए क्या कहोगे? मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आपकी बेटी, आप बेटी और बेटे में कोई फर्क ना करे, आपकी बेटी वो काम करके दिखा सकती है जो एक बेटा नहीं करके दिखा सकता है। आज हमारे देश में जितनी भी लेडीज है, जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर है, कबड्डी चैंपियन है, इसमें लड़कियां भी बहुत काम कर रही हैं, और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो पढ़ाई की ही वजह से हूँ, मेरी मम्मी पापा ने मुझे ये चांस दिया। मैं चाहती हूँ कि देश की जितनी भी लड़कियां हैं सभी को ये चांस मिले और वो लोग आगे बढ़े। Please don't like it.
Second position goes to Khoklapur. तहमीम आरा। अच्छा आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा आपने क्या नक्शा बनाया आज पेंटिंग में, आपने क्या दिखाया? हमने दिखाया है कि हम लोग जो खेत में घर बनाते थे तो वो घर नहीं बनाना चाहिए, हम लोग को खेत में खेती करना चाहिए और चावल उगाना चाहिए, जिससे हम लोग चावल अगर नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, इसलिए हम शो कर रहे हैं कि इसमें हम लोग को ज़्यादातर चावल उगाना चाहिए और फार्मिंग करना चाहिए। आपके फादर क्या नाम हुआ? शमशेर अंसारी। मेरा नाम नेहा खातून। आप किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं पीस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन क्लास है? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटा आज आपने क्या ड्राइंग किया? मैंने आज बेटी बचाओ इस टॉपिक पे ड्राइंग किया। अच्छा ये जो आपने ड्राइंग किया है इससे तुम क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? इस दुनिया में ये समाचार दिखा जा रहा है कि कोई अपने बेटे को पढ़ने नहीं दे रहा है और पढ़ने से रोक रहा है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ बनाएंगे। ठीक है, आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप अपने बेटी को पढ़ने दो? यस सर। ईसल परवीन। आप कौन से स्कूल पढ़ते हो? पीस पब्लिक स्कूल। किस क्लास में? 1। अच्छा आपने क्या बनाया आज पेंटिंग में? हाउस और ट्री। क्यों बनाया, टॉपिक क्या था? मुझे हाउस अच्छा लगता है इसलिए मैंने बनाया और ट्री। अच्छा आपके पिताजी क्या नाम है, फादर क्या नाम है? MD आरिफ अंसारी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अफीफा फातिमा। व्हिच क्लास यू रीडिंग? आई रीड इन क्लास 6। व्हिच स्कूल? पीस पब्लिक स्कूल। अच्छा हाउ यू पेंटिंग? आई पेंट अ चाइल्ड इन अ हैंड, द हैंड इज ऑफ हर मदर एंड द स्लोगन इज नारी, एंड द स्लोगन इज नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान। ओह वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम आई आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सिरिन खान। व्हिच क्लास यू रीडिंग? आई रीड इन क्लास 6। स्कूल, इन योर स्कूल नेम? पीस पब्लिक स्कूल। हाउ यू पेंटिंग? आई पेंट देयर नाउअडेज द they are not saying that the girl, we will teach the girl, we will not allow to read the girls, that's why our teacher has told that make this and say to all of this that this is not right, the girls will read, the boys how continue now the how the boys are reading like that girls will also read. Okay. My father name is बादशाह आलम। जो कर सकते वो बेटी भी कर सकती है। वाह वाह वाह। क्या नाम है तुम्हारा? My name is नंदनी कुमार। अच्छा आज पेंटिंग में क्या दिखाया तुम? हमने बनाया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छा इसमें क्या आपका टॉपिक क्या है, क्या दिखाना चाह रहे तुम? हम दिखाना चाह रहे हैं कि लड़की सिर्फ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां भी कर सकती है। अच्छा। और लड़कियां भी कुछ बाहर काम कर सकती है, लड़के सिर्फ नहीं कर सकते, और लड़कियां तो घर की लक्ष्मी भी होती है, और सिर्फ लड़के नहीं है, लड़के जब पेट में समझते हैं गर्भवती है ये इनके पेट में लड़की है तो सब मार देते हैं बच्चे को कि लड़की है, और लड़के रहते हो तो सब ठीक रहता है। वो जो करते गलत करते हैं ना, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि लड़कियां भी कुछ कर सकती है, इसलिए आप बेटियों को मत मारो। यस बेटियों को मत मारो क्योंकि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, बेटियां भी कुछ कर सकती है, सिर्फ बेटे नहीं। मुअल्लिम की मदद से इल्म की कंदिल जलाते हैं, चलो तालीम की राहों से मुस्तक दिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं। Go forward, pedal from this side and three go home. Who is your name?
मासूम सिद्दीकी। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ। कौन क्लास में? एक फोर्थ में और एक नर्सरी में। क्या नाम है बच्चे का? एक ताजिम सिद्दीकी है और बेटी का नाम है जारा सिद्दीकी। कैसा लग रहा है बच्चों को जब यहाँ पढ़ा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं बड़े होकर के? बड़े होकर के तो अब वो सोचेंगे क्या बनेंगे, पर रिस्पॉन्स होगा। पर यहाँ स्कूल का बहुत बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है और टीचर सब भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। बुशरा खान। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी, दोनों बच्चे पढ़ते हैं। किस क्लास में? एक है ये थर्ड क्लास में। अच्छा। एक एलकेजी में। कैसा रिस्पांस मिला बच्चे जब यहाँ पढ़ रहे थे? बहुत अच्छे रिस्पांस। अच्छा। सारे रोज प्रोग्रेस ही हो रहे हैं, बहुत एक्टिव है। एनी टाइम कुछ ना कुछ होती रहती है स्कूल में, यानी कि एक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करने का इनको हेसिटेट नहीं है किसी भी बात का, किसी भी एरिया में भाग लेने में हमेशा कुछ ना कुछ। ये स्कूल जब से डाले हैं बच्चे कुछ ना कुछ इंजॉय ही कर रहे हैं और आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके फादर किस प्रोफेशन में हैं? एसडी ऑफिस में, रघुनाथपुर में। बड़े होकर आप इनको क्या बनाना चाहोगे? इसका तो ये है कि अपने फादर के ही जैसा हो। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और ये कुछ अपना ऑफिस हो। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी बेटियों को माँ पढ़ने नहीं दे रही है। नहीं नहीं, हम लोगों तो इसीलिए तो यहाँ डालने का हम लोगों यही मकसद ही था कि खासकर बेटी को कि इंग्लिश एजुकेशन हो। पहले इंग्लिश ही अभी बहुत मस्ट हो गया है कि इंग्लिश एजुकेटेड रहे बच्ची, खासकर लड़कियाँ हर फील्ड में आगे रहे। मेरी बेटी खासकर हर फील्ड में, उस बार भी ली थी, थर्ड आई थी, अभी सेकेंड आई, फिर अभी तो इसमें भी ली थी, क्या नाम है, एनुअल फंक्शन स्पोर्ट्स में भी ली थी, उसमें भी अच्छे आए हैं। जो पेरेंट्स बेटी को पढ़ने नहीं दे रहे उनके लिए क्या मैसेज, क्या कहोगे? नहीं, ये तो गलत है। पेरेंट्स को, खासकर बेटियों को ज़्यादा पढ़ा, एक बेटी पढ़ेगी तो पूरा खानदान को अच्छा ये होगा। जैसे कि एक पूरा बोलते हैं ना कि एक फैमिली को अच्छा बना सकती है, एक बेटी अगर पढ़ी लिखी रहेगी वो माँ भी बनेगी तो अच्छा। पहला तो टीचर माँ ही होती है ना, हम तो अपने बच्चों को पहले हम ही पढ़ाते थे, अभी ट्यूशन दिए हैं लेकिन फिर भी अभी भी हम ही गाइड करते हैं। इसके फादर उतना रहते नहीं, ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन ही रहते हैं, तो मेरा ही यह है कि हम स्कूल से टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, सब एक्टिव है, एनी टाइम कुछ ना कुछ होते रहता है। ऐसा नहीं है कि देखिए आज भी सारे स्कूल, ज़्यादातर मोस्टली स्कूल है कि बंद ही है, लेकिन यहाँ हर साल हाँ प्रोग्राम होते रहता है। कुछ ना कुछ बच्चों को, यानी कि इतना बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि उसमें भाग लेने के लिए एनी टाइम कुछ ना कुछ। हाँ, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, सिंगिंग है, अभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी है, कल्चर को भी लेके चल, कल्चर को लेके भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसीलिए तो हम लोग बहुत दोनों बच्चों को अपने दे दिए हैं। थैंक यू। तो हमारी ड्राइंग की दो टीचर हैं, दोनों टीचर जो है इस चीज़ को पूरा ऑर्गेनाइज की और उसको सारे चीज़ मैनेजमेंट उन लोगों के हाथ में था और हम लोग जितने भी टीचर्स हैं उनको कॉपरेट कर रहे थे, क्योंकि ड्राइंग तो हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, जो ये फैक्ट है, लेकिन वो दोनों अच्छे से जानते हैं तो इसलिए उन लोगों को आगे किए। इसी तरह से हर फंक्शन में होता है। अभी नेक्स्ट हम लोगों के 30 जैन को हमारा एक और फंक्शन है जिसमें फूड एग्जीबिशन है, तो 26 ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, तो उसमें हम लोगों ने उन लोगों को आगे किया जो फूड बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं लेडीज। उसके बाद 30 में एक फंक्शन है सिंगिंग एंड डांसिंग, तो उसमें हम लोगों ने इंस्पायर किया उन टीचर्स को जो बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छा डांस करती है। तो इस तरह से हम लोग बैकिंग में लग जाते हैं, वो लोगों का सजेशन रहता है, उन लोगों की एम्पावरमेंट रहती है, उन लोगों का मैनेजमेंट रहता है और हम लोग उस वक्त, देखिए मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ लेकिन जब एक फंक्शन होता है तो मैं डायरेक्टर नहीं रहता हूँ, मैं उनके पीछे रहता हूँ एकदम बिल्कुल। आप जब बताइए मुझे क्या करना है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आता है? कॉन्सेप्ट देखिए सर, कॉन्सेप्ट है ऐसा, जैसे सर ने और ये हमारे टीचर्स ने अभी तुरंत बताया आपको कि ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक ही चीज़ को इंस्पायर करने के लिए आता है कि हम लोग यहाँ मशीन नहीं रेडी कर रहे हैं, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रेडी कर रहे हैं, एक ह्यूमन बींग रेडी कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जब यहाँ से निकले ना तो दूसरे के साथ इसी तरह से रहें कि वो अगर लीडर भी रहे ना तो कभी उसको ऐसा महसूस हो कि मैं ये काम परफेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो वो पीछे से बैकअप में आ जाए और जो परफेक्ट करता है उसको सामने कर दे। पीस पब्लिक में हम लोग देखा कि आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो जहाँ बच्चे पार्टिसिपेंट करते हो उसके साथ साथ गार्जियन का भी भरपूर उनका पार्टिसिपेट होता है, गार्जियन आते हैं यहाँ पे, गार्जियन के बारे में क्या? डेफिनेटली देखिए, गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों को जब भी पार्टिसिपेंट करते हैं सर, तो आप लोगों को पता है कि उन लोगों का हौसला अफजाई के लिए तो चाहिए, वो सिर्फ पार्टिसिपेंट किए और लोग, हम लोग अगर कहें हाँ वेरी गुड तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो बाहर के जब गार्जियन आते हैं, जैसे कि इस स्कूल में नियर अबाउट 11 या 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, लगभग सभी स्कूल अच्छा परफॉर्मेंस किए, सभी स्कूल्स के पढ़ाने वाले गार्जियन भी आए और गार्जियन जब उस चीज़ को देखे और देखने के बाद
जब वो देखे कि हाँ ये स्कूल में एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग सब, आजकल क्या हो रहा है स्कूल्स के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है कि मैं एडमिशन लूंगा तुम कैसा कर रहे हो, वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा ये कभी सोच रहा ही नहीं, मेरे से किसी से कंपटीशन है ही नहीं, किसी स्कूल से कंपटीशन नहीं, मैं सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। सभी स्कूल अच्छा है, सभी स्कूल में पढ़ाई होती है तो खराब कैसे हो सकता है, सभी स्कूल बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं तो खराब हो नहीं सकता। पीस पब्लिक को कहाँ पे देना चाहते हो? पीस पब्लिक स्कूल को मैं तो देखना चाहता हूँ, बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। और इस ड्रीम को जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक छोटे स्कूल से दो बच्चों से स्टार्ट किया, आज नियर अबाउट 700 चिल्ड्रन है और बहुत टीचर कितने हैं? टीचर हमारे पास ऑलमोस्ट 27 है ना, 27 के आसपास, 27। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एक यूनिटी में काम करें, और आप लोग सबका सहयोग रहता है, बच्चों का सहयोग रहता है। बच्चे देखिए कार्ड फर, आज हम लोगों ने पोंगल, मकर संक्रांति और बिहू, ये तीनों को एक साथ सेलिब्रेट किया, और इस पर एक और फंक्शन रखा था, सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन नहीं, वो अच्छा मैसेज आप लोगों की काइट कंपटीशन रखा था कि सारे बच्चे जो है तीन ग्रुप में बंट के वो सब पतंग उड़ाए, पतंग उड़ाकर एक दूसरे का पतंग काट रहे थे, 5-5 पतंग था, जिसका पतंग बच गया वो विनर है। तो वो कंपटीशन भी अभी जारी है, चल रहा है, थोड़ा हवा अभी कम हो गया इसलिए वो लोग रुक गए हैं, तो वो भी कंपटीशन में कोई विनर होंगे। और स्वामी विवेकानंद का जो जयंती जो हम लोग 12 को सेलिब्रेट करते हैं उसको भी हम लोगों ने इसी पे डाल दिया है, क्योंकि उस वक्त बच्चों का एक टेस्ट चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश किए हैं, और आप लोगों के सारे लोगों के सहयोग से कि बेस्ट हो, अच्छा हो। ओके ओके, क्षमा परवीन, आप किस पोस्ट में हो? मैं प्रिंसिपल की पोस्ट में। आप जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद वो सक्सेस होता है कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे टीचर्स की मैं तारीफ करती हूँ, मैनेजमेंट की तारीफ करती हूँ, सभी की। हम लोग बहुत सारे स्कूल में जाते हैं न्यूज़ करने के लिए, देखते हैं वहाँ टीचर एक दूसरे से बात नहीं करते, आपके स्कूल में जब आते देते सब टीचर एक दूसरे से बात करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डेफिनेटली है, क्योंकि अगर मैं प्रिंसिपल हूँ या डायरेक्टर सर, वो अपने आप को डायरेक्टर ना समझ कर, मैं प्रिंसिपल ना समझ कर, मैं सारे के साथ बैठ कर टिफिन करती हूँ, सारे के साथ राइटिंग करती हूँ, सारा जो हम लोग एक छोटी छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, कोई खुशी या कोई गम, हम लोग सारे एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज के जो बच्चे पार्टिसिपेंट यहाँ पे किए हैं उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए मैसेज है कि हर दिन एक जैसा नहीं होना चाहिए, जैसे लाइफ अगर चला जाए वाइट एंड ब्लैंक तो उसमें कुछ ना कुछ कलर डालना चाहिए, अगर कलर डालेंगे तभी लाइफ का जो मीनिंग होता है वो पूरा फुल होता है, इसलिए कलर ज़रूरी है लाइफ में। चलिए हम लोग भी आपका क्या नाम हुआ? ज़वेरिया शरीन। आप अभी किस क्लास में पढ़ते हो? 11th स्टैंडर्ड। अच्छा, आज आपने किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए? ड्राइंग कंपटीशन में किया था, वो पीस पब्लिक स्कूल के थ्रू हुआ था। अच्छा, वहाँ पे। तो अभी आप कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं? प्रिया दर्शनी पब्लिक स्कूल। आपने जो पेंटिंग किया उसमें कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था गर्ल्स एडुकेशन, सेव गर्ल्स एंड एडुकेट गर्ल्स, इसी टॉपिक पे था। तुमको क्या लगता है कि आजकल मैंने लड़कियों पे किस तरह जुल्म हो रहा है? लड़कों से कम माना जाता है ऑन हर ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग एंड एडुकेशन, और बहुत सारे फीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं जिसमें फीमेल को पहले ही मार दिया जाता है। तो यही सब, द बेस्ट थिंग इज़ टू इम्प्रूव दैट इज़ एडुकेशन, दे शुड एडुकेट द पीपल। जितना एडुकेशन नहीं होता है इसलिए ये सब ज़्यादा जुल्म होते हैं, और अगर एडुकेशन होगा एंड एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम द कल्चर ऑल्सो, और इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी लड़कियों पर बहुत जुल्म होता है, तो इसलिए लड़की को हमेशा पढ़ाना चाहिए, हमेशा लड़कों से ज़्यादा ही लड़कियां आगे हैं अभी इसलिए। आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसमें किसका ज़्यादा रोल लग रहा है आपको? पेरेंट्स से कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हर चीज़ में, पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है पापा का, और बहुत, क्योंकि हम दोनों ही सिर्फ बेटियां ही हैं पापा की, इसलिए ज़्यादा पापा चाहते हैं, और मैं बड़ी बेटी हूँ इसलिए पापा ज़्यादा। क्या नाम आपके पापा का? आरिफ हसनैन अंसारी। और मम्मी का? सबूही नाज। आप लोग कहाँ रहते हो? न्यामतपुर।